अरे मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुन, तेरी बात में मैं नहीं बोला, नीचे बैठ, नीचे बैठ, तेरी बात में बोला मैं, तेरी बात में अनुपम जी बोले, तेरी बात में पंडित जी बोले, नीचे बैठ, नीचे बैठ, तेरी बात में बोला मैं, बोला तेरी बात में, मैं तेरी बात में इंजीनियर बोला मैं, मैं तुम्हें तुम्हें डिस्टर्ब किया, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, सम्माननीय तुम्हारी अतिथि है, ये आज का हिंदुस्तान है, याद रखना, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एमएस बिट्टा भी आपको नजर आ रहे हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। एमएस बिट्टा, हम दिल्ली को लेकर पाकिस्तान से बात करते हैं क्या? हम भोपाल को लेकर बात करते हैं, कश्मीर को लेकर क्यों करेंगे? है कौन आप बोलिए? एमएस बिट्टा, एमएस बिट्टा देखिए, मेरी नजर में ना एमएस बिट्टा एक चीज है, आज जब दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद होता है तो उसका वुहान, मतलब जैसे आप कोरोना वायरस है दुनिया भर में है, शुरुआत तो वुहान से हुई थी, तो आतंक का वुहान है पाकिस्तान। ये तालिबान, ये जितने आतंकी है ना, सब निकले तो पाकिस्तान की लैब से ही है, तो आतंक का वुहान है पाकिस्तान, और इसलिए आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है, इमरान खान जश्न मना रहे हैं। बोलिए एमएस बिट्टा साहब। मैं तो कहता हूं अगर और कोई कश्मीरी एक्टिविस्ट है, अगर बोलना चाहते हैं तो बोलने, मैं बोल लेता हूं, पर इनका मैं जवाब देता हूं। इन्होंने 370 धारा की बात की, पहले का 370 धारा और आज का 370 धारा हटने के बाद इनको बदलाव की बात करता हूं। जो जवानों पे पत्थर फेंकते थे, तिरंगे झंडे को आग लगाते थे, मातृभूमि को गाली देते थे, जवानों पे गोलियां चलाते थे, तिरंगा झंडा गुलाम करके रखा था इन लोगों ने, आज आजादी मिली। कल क्या था? जन्माष्टमी, जय कृष्णा जय कृष्णा, जन्माष्टमी भी कल निकाली गई। कितनी शहादतें हो रही बताइए, मारे जा रहे हैं तो आतंकवादी मारे जा रहे हैं। किस दुनिया में आप बोल रहे हैं, क्या रह रहे हैं? अरे मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुन, तेरी बात में मैं नहीं बोला, नीचे बैठ, नीचे बैठ, तेरी बात में बोला मैं, तेरी बात में अनुपम जी बोले, तेरी बात में पंडित जी बोले, नीचे बैठ, नीचे बैठ, तेरी बात में बोला मैं, बोला तेरी बात में, मैं तेरी बात में इंजीनियर बोला मैं, मैं तुम्हें तुम्हें डिस्टर्ब किया, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, सम्माननीय तुम्हारी अतिथि है, ओए मैं तुम्हारी बात पे बोला नहीं, जब होता है निकल के बीच में घुस के कहां से तुम लोग आ जाते हो, तुम्हारी अतिथि दादी आतंकवादियों के बाप है, तुम्हारी बात पे बोला मैं, बोला, इसकी आवाज को बंद कीजिए बदमाश की, इसकी आवाज में बोला मैं, ये आज का हिंदुस्तान है, याद रखना, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सीमाओं की रक्षा करना जानता है। बीच में मत बोल मेरे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें टाइम देता, बोल, तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा, पर मेरी बात में बोलने की कोशिश मत करना। आतंकवादियों के लीडर, तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों का साथ देने वालों, हमारे जवानों के ऊपर गोलियां चलाने वालों का साथ देने वालों, हमारी मातृभूमि को पीठ पे छुरा मारने वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ रखा है आप लोगों ने? आ तो सही, तैयार खड़े हैं, तुम्हारे कहने पे 370 धारा पर चर्चा हो जाएगी, पाकिस्तान है कौन? पल्ले अल्ले कुछ नहीं, कहता है तलवार के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, आ जाए वो अभी, 70,000 तलवानी, एनसीसी कितनी है? 70,00,000, कितनी है सिविल डिफेंस? करोड़ों, और फोर्सेस कितनी है देख ले, हम नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं जंग करना चाहते, मातृभूमि की तरफ कोई आके तो देखे, एक शब्द हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी ऐसा नहीं बोला जिस पे किसी को तकलीफ हो। वो क्या कहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं। आज आप लोगों को एक होना होगा, तुम करते हो चाइना की बात, तुम करते हो नेपाल की बात, हम अपने बल पे खड़ा हिंदुस्तान, आज पहले कितना हिंदुस्तान नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर दो और दिल्ली में बात हो, सब गोली चलाए, आज दिल्ली से नहीं पूछना होता, एक चलाओ, चलाई थी ना दीनानगर घटनानगर इन्होंने पठानकोट में, एक चलती 100 चलाते, ठोक ठोक के इनकी ऐसी की तैसी, ये आज का हिंदुस्तान। अरे मैं आपकी बात पे बोला नहीं, आपको फिर मौका देते बोलो, चले गए वो, चले गए बेटा जी, बेटा जी चले गए वो, छोड़ दीजिए बस, चले गए वो, चले गए बेटा जी, चले गए वो। मेरा सवाल आपसे यही है, पाकिस्तान इतना खुश क्यों है? क्या पाकिस्तान का भविष्य भी अफगानिस्तान जैसा है? और अगर ऐसा होगा तो इनको कौन लेगा? बोलिए आप बिट्टा जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखो जी, एक मैं अमन जी आपको स्पष्ट कह दूं, आज मैं एक सरदार हूं ना, मेरे को पत्रकार जब मेरे से सवाल पूछता है, मैं उसको एक सवाल पूछता हूं, तुम मुझे क्या समझते हो,
कल ही कहीं मैं गया तो मुझे पत्रकार ने पूछा, कहना मैं फक्र से कहता हूं तुम भारतीय हो, मेरी पगड़ी की शान, मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज के खून से सजी हुई पगड़ी की शान, उसकी शान तभी ऊंची होती है जब मुझे फक्र से कहते मैं सबसे पहले भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं जिस मेरे गुरुओं ने मजलूमों की खातर अपने जीवन को कुर्बान किया। ये तीन बैठे हैं ना, अभी देख लेना, इसके बाद आखिर में बुलाना हमें, अगर एक भी तलवानियों के बेगुनाहों के कातल, मजलूमों को मारने वाले, बहनों को सुहाग उजाड़ने वाले, खून की नदियां बहाने वाले, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरफ कत्लेआम करने वाले, एक भी उनकी फेवर में बोल जाए, कहना ये कहेंगे तलवानी हमारे भाई, इनकी ऐसी की तैसी तलवानी भाई। अरे अनुपम जी ने क्या बोला, बीजेपी प्रवक्ता ने क्या बोला, ये आज का हिंदुस्तान है, मैं बीजेपी में नहीं हूं, मैं प्रथम राष्ट्रीय भारतीय हूं, मुझे पता है मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के आज अंदर क्या चल रहा, क्या शक्ति ताकत है। अरे चाइना को भी हमने देख लिया, 370 धारा भी हटा ली, तिरंगे झंडे भी लहरा दिए, अभी भी कहते इमरान खान की प्रवक्ता हम तलवानियों पे कंधे रख के बंदूक चलाएंगे। अरे इनके पल्ले कुछ नहीं, आप क्यों फंस रहे, आपने आपको कहो मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, मैं कहता हूं ना हर हिंदुस्तानी दुनिया में बैठा रहे बिट्टा भारतीय है, आपको क्यों नहीं कहता, क्यों जब भी ऐसी बात होती है ले चढ़ते कश्मीर की तरफ, कश्मीर में जो हो चुका हो चुका, आवाम इनके साथ नहीं है, कुछ भी बोल जाए, लोन कुछ भी बोल जाए, मैं इस्तेमाल ना करूं, मैं हिंदुस्तानी हूं मेरे भैया, मैं आपको कुछ नहीं कहा, लोन कुछ भी बोल जाए, हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान की बात कर जाए, तलवार की बात कर जाए, चाइना की बात कर जाए, और हम चुप बैठे, हम चुप बैठे, क्या मैंने आपको कुछ कहा, आप कहने वाले कौन है, आप कहने वाले मुझे, हिम्मत क्या आपकी, मैंने आपको कुछ कहा, कौन है आप कहने वाले हमें, अरे हमारे भारत माता के खिलाफ कुछ भी बोल जाए।